राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 5 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव विजय धोल्टा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा, जिसका आयोजन नाहन में संपन्न होगा। वहीं उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड के बाद पहली बार बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को नशे से दूर रह युवा ऊर्जा को सकारात्मक राह की ओर अग्रसर करना है। ये जो प्रतियोगिता शिमला डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन करवा रहा है, ये जो प्रतियोगिता है 5 दिन की है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज के बच्चे अंडर 13 से लेकर मेंस तक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें लगभग 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो यहाँ से विनर रहेंगे जी, उसका अभी एक टूर्नामेंट जो अंडर 19 का नाहन में होना है स्टेट चैम्पियनशिप का, और जो मेंस का टूर्नामेंट होना शिमला डिस्ट्रिक्ट ही इसको ऑर्गेनाइज करेगी शिमला में ही अगस्त महीने में। इसमें लगभग 150 बच्चे पार्टिसिपेट करें डिफरेंट कैटेगरीज, लगभग इसमें 13, 15, 17 और 19 के बच्चे जो पार्टिसिपेट करें, जैसे कि हमारे रोड़ू से आए, रामपुर से आए हुए हैं और ठेक से काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, चुपाल से बच्चे आए हुए हैं, शिमला यहाँ लोकल बहुत बच्चे आए हुए हैं इस बार काफ़ी, क्योंकि जो प्रतियोगिता हो रही है कोविड के बाद पहली बार ये प्रतियोगिता हो रही है इस बार। इसका उद्देश्य है कि एक तो जो बच्चे जो है नशे से दूर रहे और आगे जो हमारे जो शिमला हिमाचल के बच्चे हैं नेशनल में अच्छा पार्टिसिपेट करें, एक प्लेटफॉर्म मिले उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे।